हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोग लेफ्ट क्लिक के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़े थे, लेफ्ट बटन का 5 यूज पढ़े थे। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम लोग माउस राइट बटन के यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है जो आज आप लोग को हम बताएंगे। चलिए पहला देखते हैं हम लोग, राइट क्लिक ऑप्शन ऑफ माउस इन डेस्कटॉप। जब हम डेस्कटॉप पर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप मेरा कौन चीज है, ये सारा क्या है, अभी जो स्क्रीन दिख रहा है ये सारा आपका डेस्कटॉप का पार्ट है। तो इसी डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जिसको लेफ्ट क्लिक के बारे में नहीं पता है, इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया है उसे जाकर देख ले, नहीं तो इस वीडियो के में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग यहाँ से देख लेते हैं। जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तब अभी देखिए कितना सारा ऑप्शन आ गया ना, व्यू आ गया, सॉर्ट बाय आ गया, रिफ्रेश आ गया, न्यू आ गया, डिस्प्ले सेटिंग आ गया, पर्सनलाइज आ गया। तो हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है व्यू। जब हम इस पे देखिए, कल हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे सिंगल क्लिक। जब इस पे हम सिंगल क्लिक से आते हैं तो देखिए एक मेनू ओपन हो जाता है, व्यू का मेनू ओपन हो गया ना, व्यू का क्या हो गया, मेनू ओपन हो गया। और यहाँ से सभी इसको बार देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे व्यू। व्यू मतलब क्या होता है, देखना, किसको देखना, ये जो आयकन है यहाँ पे, जो आयकन है इस आयकन को क्या करना, देखना। ये जो आयकन है आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आयकन है इसी सभी को क्या करना, देखना। ये दिख रहा है, ये आयकन है, ये सारा क्या है, आयकन है आपका, ये दिख रहा होगा, ये सारा जो है, ये सारा क्या है, आयकन है, ये सारा आयकन है। इसी आयकन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, इस आयकन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए राइट क्लिक करते हैं, व्यू, व्यू पे जाते हैं तो क्या लिखा हुआ, लार्ज आयकन और मीडियम आयकन और स्मॉल आयकन। ये क्या होता है, जैसे हम लार्ज आयकन लगे करेंगे तो ये क्या हो गया, ये अभी देखिए ये सारा जो आयकन है था डेस्कटॉप पे, ये सारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मीडियम है, स्मॉल है, ये सारा भी क्या आयकन है। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस स्क्रॉलर बटन, कंट्रोल प्लस एक्सटर्नल बटन से हम लोग क्या करते हैं, इस आइकन को क्या कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखिए आइकन है ना, हम अभी एक्सटर्नल बटन ये वाला देख रहे हैं ना, इसको अभी हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, घुमा रहे हैं। देखिए एक्सटर्नल बटन से क्या हो रहा है, आपका ये आइकन बड़ा हो रहा है, हो रहा है ना, जितना मन चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। आप पीछे कीजिए, बैक कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा आइकन, देखिए छोटा हो रहा है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक पर कंट्रोल प्लस स्टॉलर बटन को आगे पीछे अप एंड डाउन। चलिए हम आगे देखते हैं, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अरेंज, क्या लिखा हुआ है, अरेंज। अरेंज के द्वारा हम लोग करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है अरेंज। अभी ऑटो अरेंज नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको आइकन को ले जा सकते हैं और यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में कपड़ा रखते हैं ना, ऐसे आते और क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। अभी देखिए इस तरह से हम फेंक दिए, फेंका हुआ है ना। अभी देखिए ये क्या अच्छा लग रहा है आपको, देखिए अच्छा लग रहा है। जब हम ऑटो अरेंज लगा देंगे तो क्या होगा, एक पंक्तिबद्ध में ये लाइन बाय लाइन लग जाएगा। अभी ऑटो अरेंज लगा दिए ना, देखिए ये सभी लाइन बाय लाइन आ गया। अभी उठा के किसी को ले जाइए या कोई फोल्डर बना लेते हैं, जैसे इस पे न्यू पे जाते हैं और एक फोल्डर बना लेते हैं, जैसे इस पे करते हैं, देखिए अभी आपका एक फोल्डर दिख रहा होगा, इस पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, अभी फोल्डर दिख रहा होगा, ये देखिए ये फोल्डर दिख रहा है ना। अभी इसको आप कहीं उठा के ले जाए, अगर हम बनाए थे कहाँ, यहाँ बनाए थे ना, ये चला कहाँ गया, यहाँ पे चला गया, इसी को बोलते हैं अरेंज। हम लोग घर में क्या करते हैं, कपड़ा वगैरह को सजा के रखते हैं, वही चीज है, आइकन को ये सजा के रखता है। उसके बाद हम फिर राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं व्यू ऑप्शन, व्यू ऑप्शन में जाते हैं, लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन, लिखा हुआ है ना शो डेस्कटॉप आइकन। अभी जो डेस्कटॉप पे आइकन दिख रहा है, अगर उसे अनचेक कर देंगे तो क्या हो गया, ये सारा गायब हो जाएगा। देखिए ये अभी सारा क्या गायब हो गया। अब इसको हमको लाने के लिए क्या करना होगा, व्यू ऑप्शन पे जो चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज जहां से हटाएंगे वहीं से लगाना है। जो अभी हम हटाए थे कौन चीज को, डेस्कटॉप आइकन को हटाए थे ना, सो डेस्कटॉप आइकन को ना, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगी ये वापस आ गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हमेशा आपको लैब में काम देता देगा और कंप्यूटर में तो खास करके, जो चीज जहां से लगाएंगे वहीं से हटाएंगे भी और लगाएंगे भी वहीं से। यहाँ से देखिए अब हटाना होगा, हट गया, फिर लगाना होगा तो फिर व्यू में जाएंगे और सो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा।
अब आते हैं आप लोग का व्यू खत्म हो गया, उसके बाद आते हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नाम के अकॉर्डिंग एक सॉर्ट, सॉर्ट मतलब क्या होता है, सॉर्ट को अरेंज करना, सॉर्ट बाय करना। अब देखिए यहाँ इसको आइकन को नाम के आधार पे लगा सकते हैं, साइज के आधार पे लगा सकते हैं। LTM टैप, LTM टैप ये क्या होता है, ये LTM टैप होता है, एक टैप लगेगा। देखिए अभी एक टैप के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, जो जो जैसा था वैसा हो गया। तो इस तरह LTM के आधार पे हम लगाते हैं। उसके बाद आते हैं डेट मॉडिफाई, डेट मॉडिफाई के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, डेट मॉडिफाई के अकॉर्डिंग लग गया। उसके बाद आते हैं आप लोग देखे होंगे साइज, साइज के आधार पे भी ये इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर, जिसका बड़ा साइज होगा वो पहले होगा, जिसका छोटा साइज होगा वो बाद में होगा। इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कर सकते हैं। अब आते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग सिस्टम को पहली बार चालू करते हैं तो शुरुआत में क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है। बार बार क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका कोई भी एप्लीकेशन क्या होगा, जो चालू नहीं हो जल्दी से चालू होके आपका सिस्टम अच्छा से काम करेगा। तो रिफ्रेश से आप लोग जानते होंगे, हम लोग क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, धोते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जागते हैं तो फ्रेश होते हैं। उसी तरह हमको क्या करना है, सिस्टम को भी फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है। तब क्या होगा, जो एप्लीकेशन होगा वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं न्यू फोल्डर। अब न्यू फोल्डर क्या है, फोल्डर है, और ये क्या है, फाइल है, ये क्या है, फाइल है, ये सारा जो देख रहे हैं अब फाइल है, ठीक है। इसमें सारा अलग अलग टाइप का फाइल है, कुछ नोट पैड का है, कुछ वर्ड का है, कुछ पावर पॉइंट का है, कोई जीप फाइल है, ये सारा फाइल है। तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी समझते हैं फोल्डर, अभी हम लोग समझते हैं फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, जैसे अभी देख रहे होंगे फोल्डर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक से अधिक, जब हम फोल्डर का निर्माण करेंगे, हम देखते हैं अभी फोल्डर, फोल्डर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं, नाम दे दीजिएगा, जैसे आपका नाम, मेरा नाम राजू है तो हम लोग राजू लिख लेते हैं, आपका अगर जो भी नाम होगा वो नाम दे दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इसमें कुछ दे रहा है, नहीं देगा, दे रहा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब ये खाली है, इसमें अभी कुछ है ही नहीं। अब क्या होता है, ये समझ जाते हैं कि ये है, मान लीजिए बैंक, ये क्या है, बैंक। अब इसमें कितना सारा फोटो वगैरह, जितना भी फोटो वगैरह ना, वो सारा चीज हम रख सकते हैं। देखिए ये फोल्डर है ना, ये फोल्डर मैं वीडियो नाम का फोल्डर है। अब इस वीडियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से उठा करके उसमें रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, हम लोग पढ़े हुए थे लेफ्ट क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखिए उठा के सभी को रख सकते हैं, ये क्या हो गया, इसमें से जितना भी उठा करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, रख दिए ना। वीडियो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला आएगा, राजू नाम का फाइल था, इस नाम में क्या आ गया, वीडियो आ गया। तो अभी मान के चलिए यही फाइल है, इसी फाइल को क्या कर सकते, उठा करके यहाँ लाना चाहते हैं और ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब इस फोल्डर में हम एक से अधिक चीजों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें एक से अधिक चीजों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब फाइल क्या होता है, फाइल जब हम न्यू पे जाएंगे और यहां से लेते हैं फाइल, अब यहां से क्या करते हैं, फाइल ले लेते हैं, अब कोई भी फाइल ले लीजिए, अब मान के चलिए यही लेते हैं, टेस्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट पे लेंगे और जो भी नाम लिखना होगा यहाँ से नाम लिख, मगर हम रहने देते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंट नाम का फाइल। जैसे इस पे क्लिक करिएगा ना, डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। अभी ये फाइल है कौन सी का, नॉट, इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चीज टाइप कर सकते हैं, जो भी चीज आपको टाइप करना होगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा। मगर इस दोनों में अंतर क्या है, आपको जब नॉट पैड खोले तो इसमें क्या करते हैं, कोई फंक्शन वगैरह काम कर सकते हैं, मगर फोल्डर जब निर्माण करेंगे तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बहुत सारे फाइल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं उस फोल्डर के अंदर। चलिए हम लोग देखे यहाँ पे व्यू देखे, सॉर्ट बाय देखे, रिफ्रेश देखे और न्यू देखे, और बाकी बच गया डिस्प्ले और पर्सनलाइज, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, हमसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।